ये वीडियो एक छोटा सा अपडेट है यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेके। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाला है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लेके। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ने इसे कवर किया है, जैसे देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ने इसे लिखा है कि 1 जनवरी से एक्स्ट्रा चार्जेस सरकार लगाने वाली, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे यहाँ पर कैप लगा दिया है, उसकी वजह से ये चार्जेस लगेंगे। बहुत सारे वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, बड़े बड़े चैनल्स भी हैं यहाँ पर, उन्होंने इस तरह का वीडियोस बनाया है कि यहाँ पर चार्जेस लगेंगे, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से। यूपीआई ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री है, कैपिंग से यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस को लेके कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं है। NPCI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर करके बताया कि ये फर्जी न्यूज़ है। बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल वगैरह में ये चीज़ें छपी हैं तो ये फेक है। यहाँ पर कैपिंग की तो बात हुई है, कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात नहीं। इसके रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियोज़ बनाए हैं कि यहाँ पर कैपिंग कैसे वर्क करेगा। आपको बता दो कि कैपिंग से कोई कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, 2023 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद शायद कुछ चेंजेस हो, लेकिन मेरा अनुमान है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एज ए कस्टमर जैसे आप यूपीआई ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं तो वैसे ही करते रहेंगे। कैपिंग पर आपको असर नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप को पड़ेगा लेकिन आपको यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। डिटेल में वीडियोज देखना है तो वीडियो जाके आप जरूर देख लें कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कैपिंग एक्चुअली में है क्या। चार्जेस की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है, कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगने वाला। कि यहाँ पर चार्जेस बीच में प्राइवेट बैंक्स ले रही थी पिछले साल 2019 में, यहाँ पर अनाउंस किया था बहुत सारे प्राइवेट बैंक ने कि यहाँ पर चार्जेस लेंगे। उसके अभी कुछ दिन 2 महीने पहले ही UPI चार्जेस के यहाँ पर रिफंड्स भी आए, जितने भी चार्जेस 1 साल के अंदर लिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पर एक्शन भी लिया था, यहाँ पर जितने भी UPI चार्जेस आपके अकाउंट से कटे सारे रिफंड्स कर दिए गए। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दी गई थी कि जितने भी UPI चार्जेस प्राइवेट बैंक ने लगाए वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 0 MDR रखा गया UPI ट्रांजेक्शन को लेकर। यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा रुपए ट्रांजेक्शन, और UPI ट्रांजेक्शन पर 0 MDR है। कोई भी बैंक से यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते UPI ट्रांजेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर ये चीजें फेक है, यहाँ पर PIB फेक चेक भी किया जो गवर्नमेंट की बॉडीज है। ट्विटर हैंडल पर शेयर किया कि ये फर्जी खबर है, जितने भी आपको न्यूज आर्टिकल्स में चीजें दिखी है या फिर वीडियोस में आपको चीजें बताई जा रही कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाला, तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं UPI ट्रांजेक्शन को लेकर। यहाँ पर बिल्कुल ये फ्री है जब तक यहाँ पर 0 MDR इस पे है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में ही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक। स्टूडेंट्स रिलेटेड को भी सवाल हो, क्वेश्चन क्वारी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर आपको दिख रही होगी।